हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव, आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। कक्षा 10 गणित अध्याय 3। इसमें हम लोग उस दिन अलजेब्रिक फंक्शंस कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, आज नया टॉपिक्स कराते हैं, मतलब उसी का आया, थोड़ा नहीं डिफरेंट है। क्वेश्चंस ऐसे हैं, क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने आई, मतलब बाजार में, और जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक कितने नग खरीदे गए, और तो अपने उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से दोगुनी है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी है, और इसका और सहेलियों ने कहा कि जानने के लिए, सहायता के लिए ग्राफिकली मेथड से बताओ और किस तरह, मतलब किस तरीके से किया गया। तो वो कह रहा है कि 2 गुनी है, तो मतलब बाई मान लेते लेट 2x-2, वो कह रहा है कि 2 गुनी खरीदी है, तो हमने मतलब संख्या के 2 गुनी। अब नेक्स्ट पूछा है 4 गुनी 4x-4, कह रहा है जो स्कर्ट है, मतलब जो स्कर्ट है वो पेंट से 2 गुनी है, और स्कर्ट यहाँ 4 गुनी, तो हमने 2 इक्वेशंस बना ली। अब वो हमारा अपना फंडा चलेगा, कुछ नया नहीं है, क्योंकि अब इसे अलजेब्रिक मेथड से हमें कन्वर्ट करना और इसे ग्राफिकली दिखाना है। तो क्या करें, दोनों के लिए हम अलग अलग एक चार्ट बना लेंगे। एक्स और यहाँ पर ये 2x-2 और ये यहाँ 4x-4। क्वेश्चन में नेक्स्ट और पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि चंपा ने कितनी शर्ट और स्कर्ट खरीदी। तो हमने 2 इक्वेशंस बना लिए, कोई अपना प्रोसेस है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में क्या करेंगे, y इक्वल टू कितने, हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या रख रहे हैं, 0 रख के देखते हैं। एक्स वैल्यू जब हम 0 रखें, 2 0-2, तो क्या होगा, 0 पर कितनी निकल रही, -2 निकल रही, क्योंकि यहाँ पर जब हम रखेंगे 2 × 0 का 0 हो जाएगा, तो ये -2 बचा, तो एक्स वैल्यू कितनी होगी, -2। अब एक्स की वैल्यू हम 1 रखते हैं यहाँ पर, तो 1 रखेंगे तो 2y = 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2-2 = 0। तो जब हमने यहाँ 1 रखी तो क्या मिला हमें, 0 मिला। उसके बाद y = 2 रखे देखते, चेक करते हैं, जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ बनेगा 2 × 2 - 2, तो ये हो गया 4-2 = 2। तो हमने देख लिया कि हम वैल्यू पुट करते चले जा रहे 2, हमने 0 रखा, 2 × 0 हुआ तो -2 बचा, 1 रखा 2 × 1 तो 2-2 जो 0 हो गया, और 2 हमने x = 2 रखा तो क्या मिला, 2 × 2 = 4, 4-2 = 2। इसी तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे y = 4x-4 और रख दो x की वैल्यू रखेंगे। उसने ये भी कहा था कि स्कर्ट की संख्या पेंटों की संख्या से 4 गुनी है, और पूछ रहा है कि 4 गुनी से कम है, सहेलियों की जानने की सहायता के लिए उसे कितनी खरीदी। तो वही प्रोसेस है, यहाँ पे हम x = 0, 1 और 2, तो y = 2, अब यहाँ पे देखो x = 2 हम 0 रख के देखते हैं क्या होता है, तो 4 × 0-4, तो ये बचा 4 हो गया, 2 रख के देखो y = 2, x = 2 यहाँ पे क्या है, 1 रखते हैं, तो 4 − 4 = 0, तो हमारे क्या बना, 1 पर निकाला हमने तो यहाँ -4 और 1 पर निकाला तो यहाँ 0, और 2 रख के चेक करो तो 4 × 2 − 4 = 4, 4 × 8 = 4। तो हमने जब 2 रखा तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 4। कुछ नया नहीं है, बस वही प्रोसेस है कि हमें 2 इक्वेशन दिए जाएंगे, उसने कह दिया था कि जो स्कर्ट है वो पेंट से 2 गुनी है और यहाँ पर 4 गुनी है। तो अब वो कह रहा है, क्वेश्चन में ही कहा गया है कि उसे 4 गुनी जो वैल्यू है वो कम दे रहा है, और ये अपने आप में पूर्ण दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू, क्योंकि वो वैल्यू हम यहाँ रखते जो हम बाई की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सके, तो हमने एक्स वैल्यू क्या रखी, पहले 1 रखी, 1 पे हमने जब एक्स वैल्यू 0 रखेंगे, देख चेक किया तो 0 रखी, तो यहाँ पर -2 बचा, तो ये -2 आ गया, और यहाँ हम एक्स वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 − 2 कितना हो गया, 0, तो ये 1 के 1 रखा तो 0 आ गया। अब एक्स की वैल्यू हम 2 रखें यहाँ, तो 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 2, तो ये बचा हमारा 2। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हमारी इक्वेशन दी गई है, y =
फोर एक्स माइनस फोर वही प्रोसेस में हमने जीरो रखा तो माइनस का फोर बचा, टू रखा तो हम वो वन रखेंगे हम, तो जब वन रखा हमने फोर मल्टीप्लाई फोर, फोर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, और ये टू रखेंगे तो फोर टू जाए एट, एट में चार गया चार, कंप्रेस करके बन। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें दो दो वैल्यू मिल गई कि अब जैसे यहाँ पर देखो हमें पॉइंट्स इसमें अगर हम निरूपित करेंगे जो भी बिंदु और जो भी बनाएंगे तो हम देखेंगे पहले हमारी एक्स वैल्यू कितनी दी गई जीरो और वाई की वैल्यू टू माइनस टू देगी, तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ जीरो है ये और ये टू, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से हम यहाँ पर रेज डालेंगे। अब एक्स वैल्यू हमें कितनी देगी जीरो और माइनस टू, तो ये हमारी देखो यहाँ से जीरो से होती हुई ये जीरो है हमारा, तो ऐसे जाएगी सीधी, ये टू से भी कट कर रही है और जीरो से होती हुई जा रही, तो ये देख रहे हैं आप देखो यहाँ पे हमें एक्स वैल्यू कितनी दे रहा है वन दे रहा है, तो हमारी यहाँ वन हो गई और यहाँ पर जीरो देखो क्यों जीरो से भी निरूपित कर रही है यहाँ टू कॉमा टू। अब देखो ये प्लस का है टू और बाय भी प्लस का, देखो हमारा ये टू ये रहा और टू इससे निरूपित करेंगे, तो रीजन इसमें पूछ रहा था क्वेश्चन में कह रहा था कि बिंदुओं पर पेपर का आलेख आलेख इस तरीके से करो, और उसने ये भी कहा था कि सहेलियों की जानने के लिए सहायता के लिए हमें मतलब पैंट और स्कर्ट कितनी खरीदी वो पूछ रहा है, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं जीरो कॉमा टू, देखो हमारे पास ये बिंदु बना है पहला जीरो कॉमा माइनस टू ठीक, और नेक्स्ट उसने कहा था अब यहाँ पर देखो जीरो कॉमा माइनस फोर, ये जीरो है ये माइनस फोर है तो ये हमारा फोर हो रहा है ये जाएगा सीधा, तो जीरो कॉमा माइनस फोर तो हमारा क्योंकि हमने एक्स एक्स का ले लिया, अब ये ले लो वन कॉमा जीरो, तो वन कॉमा और जीरो अगर देखो यहाँ पर ये हमारा वन है यहाँ पर ठीक, और वन कॉमा जीरो वन हो गया एक्स का एक्सेस का और जीरो वाई का हो गया, तो हमारा वन कॉमा जीरो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है वन कॉमा जीरो, उसके बाद इसका भी वन कॉमा जीरो, तो दोनों रिवर्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर टू कॉमा टू, अब ये लाइन थोड़ी हमें चेक करनी पड़ेगी क्योंकि जनरली ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अब यहाँ पर जब हम टू कॉमा टू निकाल लेंगे तो ये हमारी टू है, तो एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन इस तरीके से जाएगी, ये क्योंकि क्यों रीज़न क्या है हमें यहाँ टू कॉमा टू दे रहा है तो हम टू कॉमा टू रख लेंगे। अब नेक्स्ट उसने कहा था टू कॉमा फोर, टू कॉमा फोर हम यहाँ दे देंगे, ये हमारा फोर रहा ये टू कॉमा फोर, क्वेश्चन बहुत सरल है कुछ हमने नया नहीं किया क्वेश्चन देखेंगे तो फिर दोबारा पॉइंट से हमें देखो सबसे पहले हम टेबल को देखेंगे जीरो कॉमा माइनस टू दिया गया हमारा जीरो एक्सेस एक्सेस का है और टू माइनस वाई का है, तो देखो माइनस वाई का हमने टू ले लिया यहाँ पर, अब पॉइंट से हमें निरूपित करने अब जीरो कॉमा माइनस टू उस तरीके से करना कि हमें वाई का भी दिखाई दे जाए जीरो, देखो जीरो ये एक्स का आ गया और ये माइनस टू हो गया। अब नेक्स्ट दे रहा है जीरो कॉमा माइनस फोर, तो देखो जीरो हमारा ऑलरेडी है यहाँ पर, अब माइनस फोर दे रहा तो हमने यहाँ जीरो कॉमा माइनस फोर कर दिया। अब नेक्स्ट देखे वन कॉमा जीरो, तो हमारा वन कहाँ है ये बन रहा है एक्स एक्स का और वाई का जीरो, तो वाई का जीरो ऑलरेडी हमें दे रहा है यहाँ पर, तो ये लाइन जो कट करती हुई जा रही है वाई एक्स के लिए तो यहाँ पर वन हो गया। अब उसने कह दिया है कि इसमें भी वन कॉमा जीरो दे रहा तो दोनों एक ही मिड पॉइंट एक ही जगह हो जाएंगे, ये वाली वैल्यू समझेंगे थोड़ा, टू कॉमा टू दे रहा है देखो टू इसका भी दे रहा है देखो टू ये है प्लस का और टू ये प्लस का है, तो ये लाइन इसलिए ड्रॉ की गई कि हम टू कॉमा टू यहाँ देखो यहाँ भी निरूपित कर रहा है सीधा ऐसा और ये यहाँ पर भी टू कॉमा टू। अब यहाँ पर देखो टू कॉमा फोर, तो हमारा टू तो देखो ये ऑलरेडी है यहाँ पर हमने ये रखा है टू और फोर ये हो गया, तो इस तरीके से क्या करेंगे उसने जो पूछा था पेंट स्क्वायर की संख्या का ये डिविजन्स ये अलजेब्रिक मेथड्स ही ग्राफिकली मेथड्स बनेगा। कंप्लीट क्लोज करिए क्वेश्चंस कह रहा है कि एक क्वेश्चंस नेक्स्ट है, मतलब देखो हमने ग्राफिकली सभी बता दिया, इसमें अगर कोई डाउट्स लग रहा है तो आप पूछते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट थोड़ा चेंजिंग है, इसमें क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए गामा के किस मान के लिए युगपत समीकरण दिया गया है एक्स प्लस टू बाई इजिकल टू 70 और कह रहा है कि टू एक्स प्लस गामा बाई इजिकल टू 35 कोई हल नहीं होगा, और ऑप्शन हमें दे रहा है टू कॉमा वन बाई टू फोर, मैं मतलब चार वैल्यू दे दी गई, वो ये पूछ रहा है इन पर समीकरण पर हल होगा कि नहीं, तो हमारा जो समीकरण दिया गया है
एक्स प्लस टू वाई इजिकल टू 70, और कह रहा है कि ये को दे दिया 2x प्लस गामा वाई इजिकल टू 35। कुछ नया नहीं है, वो ये कह रहा है कि हमें चार ऑप्शन इसमें जो दिए गए उन पर ये हल है या नहीं है, बस वो हमें नोट करना और दिखाना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला हमने स्टार्टिंग में बताया ही था, इन वैल्यू को हम सबको बांट लेंगे। देखो हमारी ए की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर, तो वही होती है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस प्लस सी इजिकल टू 0, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। तो हमारी ए की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 7। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू गामा और सी की वैल्यू हमें क्या देगी 35। बस कुछ नहीं करना, जब कोई समीकरण अगर मुझे हल करने के लिए दे रहा है इस तरीके से ए बी सी वैल्यू फाइंड कर लो, और जब प्रतिबंधित के लिए हमने तो फॉर्मूलाज बताया था ए वन, तो हम इसे मान लेते ए वन बी वन और सी वन, ए टू बी टू और सी टू। अब देखो ए वन अपॉन ए वन ए टू हमने बताया था, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू। तो कुछ नया नहीं कर रहे, बस पूछ रहा है कि इसका हल होगा या नहीं। हमें चार वैल्यू दे दी गई हैं 2, 1/2, 4, 1/4, इन वैल्यू पे पूछ रहा है कि इसमें से अगर ऐसी कोई वैल्यू आ जाती जो हम आसानी से हल कर सके तो हमें वैल्यू दी गई हैं पुट कर लो। देखो ए वन वन, ए टू कितना दिया गया 2, कुछ नहीं नया करना है। बी वन कितना 2 और यहाँ पर गामा 2 गामा इजिकल टू सी वन हमारा 7 दिया गया है और सी टू 35 दिया गया है। सीधा सीधा दिख रहा है, देखो ये आराम से हम काट सकते हैं इसे, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ से हम गामा का वैल्यू फाइंड करें तो ये निकलेगा हमारा इजिकल टू 1/2 इजिकल टू 2 अपॉन गामा। और अब रीज़न ये है कि हमने तुम्हें बताया था ये हमेशा इक्वल नहीं होता है, तो हम इसे इक्वल या इससे काट लो या नहीं काटो वो तुम्हारे पर निर्भर करता है, इसे कैंसिल कर सकते हैं या नहीं। तो ये जब इक्वल ही नहीं तो इस वैल्यू को हम अलग ही कर देते हैं। तो हम यहाँ से गामा की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो 2 2 = 4, तो ये गामा की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमें उसमें ऑप्शन 4 दिए गए थे 2, 1/2 और 4, 1/4, तो हमारी वैल्यू अगर हम यहाँ 4 रख देंगे ये वैल्यू आपस में सॉल्व हो सकती हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि k x + 3y इजिकल टू -3, और कह रहा है और एक दूसरी क्वेश्चन दी गई 2x - ky और -k दी गई, तो पूछ रहा है अनंत अनेक हल होंगे या नहीं, तो k की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरीके से फाइंड करते हैं, एक हमें और एक क्वेश्चन दी गई है k x + 3y = -3, और कह रहा है 12x + ky = -k। वो ये कह रहा है अनंत अनंत मतलब कोई वैल्यू इसमें पुट करते जाओ अनंत पर हल होगी या नहीं। अब ऐसी वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू होती है वो हम देखते हैं, तो वही प्रोसेस हमने अभी बताया था, कुछ नया नहीं है इसमें। हम a1 a2 b1 b2 इस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से हम फाइंड कर ले रहे हैं। तो हमारी देखो a1 क्या हो गया k, a2 3 और c1 a1 हो गया, ये c1 इजिकल टू -3। कुछ नहीं है, जो पहली वैल्यू देगी वो 1 पार्ट चलेगी, ये सेकंड पार्ट। तो देखो a2 12 और b2 इजिकल टू हो जाएगा k और c2 इजिकल टू -k। हमने ये चार वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें पूछो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन भी कहा था इसे अनंत पर सॉल्व करना है, के की वैल्यू फाइंड करो यहाँ से। तो वही प्रोसेस मेरे पास होता है, सीधा सीधा रख लो a1 / a2 b1 / b2 और c1 / c2। कुछ नया नहीं है, बस वैल्यू फाइंड करनी है। तो a1 की वैल्यू हमारी कितनी देगी k, और a2 कितना दिया गया 12 इजिकल टू b1 कितना दिया गया 3 और ये k, c1 कितना दिया -3, तो ये k हो गया। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा था कि अगर हम इसमें कोई वैल्यू अगर अनंत तक रखते हैं तो क्या वैल्यू हमें मतलब क्या प्राप्त होता है। तो देखो हम सॉल्व करेंगे इसे, हमने अभी बताया था c को तो इसे हम निरूपित कर दें क्योंकि हमेशा इक्वल नहीं होता है, तो क्या करेंगे बस हम इसे सॉल्व कर लेते दोनों को। तो k/12 = 3/k, तो यहाँ से k² हो जाएगा ये,
ये हो जाएगा 36। और हमने बताया था 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो k इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से कर सकते हैं, आप सीधा सीधा अंडर रूट चढ़ा दो तो आउट कर सकते हो। तो कुछ नया नहीं कर, मतलब उसने दो हमें इक्वेशन दे देंगी और कह दिया है कि इसे अनंत तक ऐसी कोई वैल्यू फाइंड करो जो आपस में हल हो सके। तो हमने ए वन बी वन सी वन निकाल लिया, ए टू बी टू सी टू निकाल लिया, और हमारे पास ये फंक्शंस होते हैं ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू। तो हमने के अपॉन 12, 3 अपॉन के रख दिया। अब रीजन क्या होता है, जो सी की वैल्यू आप जानते हो ये हमेशा इनके बराबर नहीं होते, इसे हम अलग कर देंगे, इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, के का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, 12 3 36, के स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब देखो किस 6 का स्क्वायर ये होता है, तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि पावर इसलिए कैंसिल होंगे, इधर लेके आएंगे तब भी कैंसिल होंगे, आप उसे कट कर सकते हो, के इक्वल टू 6 निकला। क्वेश्चन कई के अलग अलग तरीके से दिए गए, क्वेश्चन सॉल्व करें और कुछ बताएं। एक क्वेश्चन और अच्छा है, उसे हम बताते हैं, क्लोज करिए। कल जो हम टॉपिक से लाएंगे अद्वितीय तल के क्वेश्चन से, क्वेश्चन में रीजन क्या था, कुछ नया नहीं है, हमने बताया था अद्वितीय तल हम किस तरीके से a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2, मतलब जब ये क्वेश्चन फाइंड करेंगे ये आपस में बराबर नहीं होंगे, इसके आधार पर हम कल क्वेश्चंस कराएंगे। और इन क्वेश्चनों को देखना और जो डाउट्स लग रहा हो वो कमेंट्स में लिख सकते हो और भेज सकते हैं।